ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या प्लेसेंडा का पोजीशन चेंज हो सकता है, क्योंकि शायद उनके रिपोर्ट में कुछ अलग आया था तो उनको एक डाउट थी। तो वो डाउट मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या प्लेसेंटा का पोजीशन चेंज हो सकता है। तो इसका जवाब है, देखिए इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एंटीरियर से सीधे पोस्टीरियर हो जाएगा, या फिर पोस्टीरियर से सीधे एंटीरियर हो जाएगा, या फंडो हो जाएगा, लैटरल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, उस समय जो फर्स्ट स्कैन होती है, उस समय यूटेरस बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, बेबी भी काफ़ी छोटे साइज़ का होता है। उसके हिसाब से प्लेसेंटा का पोजीशन देखा जाता है कि वो जो एग है उसने कहाँ इम्प्लांटेशन किया, यूटेरस के किस वॉल पे किया, फ्रंट साइड में किया या बैक साइड में किया, ऊपर में किया या साइड वाइज किया, तो उससे प्लेसेंटा की पोजीशन पता चलती है। लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है, वैसे वैसे प्लेसेंटा भी ग्रो होता है, क्योंकि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी ही, मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही स्टार्टिंग इसकी होती है, प्रेगनेंसी के बाद उसका कोई महत्व नहीं रहता है, जो कि एक मीडिएटर का काम करता है, बेबी को वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालता है। तो जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है, वैसे वैसे प्लेसेंटा भी ग्रो होता है, और उसी हिसाब से यूटेरस का भी ग्रो होना लाजमी है, क्योंकि यूटेरस उसी हिसाब से बढ़ता है। तो वो थोड़ा स्ट्रेचिंग हो सकती है, थोड़ा शिफ्ट हो सकता है हल्का सा, लेकिन अगर आप उस तरह से पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन एंटीरियर से पोस्टीरियर या फिर पोस्टीरियर से एंटीरियर बिल्कुल नहीं होता। थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो सकती है, मे बी लो लाइंग है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, या फिर ऊपर में है तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, वो फिर एक्सट्रीम केसेस आ जाती हैं, उसमें इतना ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं होते हैं। थोड़ा मोड़ा अगर आपको चेंज हो सकता है तो वो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज नहीं होता है। वो बस एक स्ट्रेचिंग है। आप किसी भी चीज़ को अगर आप सोच लो कि अगर वो चीज़ एक्सपैंड कर रही है तो थोड़ी सी अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने वाली है, ना कि कंप्लीट चेंज करने वाली है। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन अगर जाएगा तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या पोस्ट डाला या क्या अपलोड किया, आपको तुरंत पहले पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं और आपके प्यार और इज़्ज़त और इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी मैं इज़्ज़त रखना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।